वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स टॉक व्हिच ऑलवेज रॉक्स वंस अगेन। आज हम देखेंगे कि ये कैसे किया जाता है अगर आपका टायर पंक्चर हो गया हो, जैसे कि ये वाला हुआ है। जैसा आप देख सकते हो अभी भी हवा निकल रहा है इसमें से। ये सिचुएशन हमने जानबूझ कर तैयार नहीं किया है। अभी स्टेपनी का जो टायर होता है वो टायर चेंज करके इसमें फिट करेंगे हम। ना इसके लिए हम बहुत ही एक्सपर्ट मैकेनिक को बुलाया है जिसका सहारा हम अभी लेने वाले हैं। आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर भी जा रहा है, चला गया। ठीक है, नीचे ये हो रहा है। পিছনের ওয়ালটা খুলেই রেখেছিস, তাহলে এসিটা চালিয়েছিস কিন্তু। अभी हम जैक डल के इसको थोड़ा ऊपर लेंगे। अभी भी आवाज हो रहा है दोस्तों, सुनाई में दे रहा ही होगा आपको, सुनाई पड़ रहा है ना। हाँ, ऐसे ऐसे किया जाता है, जैक को ऐसे लगाया जाता है, फिट किया जाता है। बाद हम देखेंगे इसको ऐसे ऐसे करते हैं। इसको ऐसे ऐसे करने से ये ऐसे ऐसे होता है, धीरे धीरे वो ऊपर उठ रहा है दोस्तों। ये धीरे धीरे कैसे ग्राउंड क्लियरेंस पैदा हो रहा है, ये भी एक देखने लायक चीज है। हाँ, तो मैं कहाँ था, ये था लीकी टायर और अब हम डालेंगे, नहीं ये था लीकी टायर, ये हवा इधर से निकल रहा है, ये भी दूर ज़्यादा उसमें। ठीक है, तो छेद अभी भी आपको दिख ही रहा होगा, तो वो जा रहा है स्टेपनी। এই নড়িস না, অর্গ কেউ নড়বে না, গাড়ি পড়ে যাবে কিন্তু উপর থেকে, জ্যাকের উপরে আছে। Thank you.
यहाँ दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं काम अभी खत्म, यार टायर भी लगा लिए, अब वापस लौटने की बारी। दोस्तों यह कैसे ऐसे लगाया जाता है, कैसे आप यहाँ पे लिखा देख रहे हैं, और ये राइट एंगल वाला पोस्चर, ट्रैकिंग लोकेशन ऑन व्हीकल, ठीक है, व्हील बेंच के साथ इसको लगाया जाता है, जैक पॉट को घुमा के, ये अभी टाइट हो रहा है धीरे धीरे से। काम तमाम, ये है नया वाला टायर, मतलब स्टेपनी, जरूरत के वक्त बहुत ही काम में आया, और ये था फेलियर हो गया ये टायर, अभी भी हवा निकल रहा है इससे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे ही वीडियो आगे भी देखते रहने के प्लीज़ स्टे ट्यून टू माय चैनल। टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड डे।